हाई एवरी वन माई नेम इज़ पूजा रावत एंड आई एम टेकिंग द सीरीज ऑफ फाइव एम सी क्यूज ऑन द करंट अफेयर्स ऑफ ए आर डी सेक्शन ऑफ नाबार्ड सो लास्ट टू सेशन से हम नाबार्ड बैंकबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एंड टूडे सेशन विल बी इन एडिशन टू दैट ओनली राइट सो आज भी हम नाबार्ड बैकेबल प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेन टू यू नो अवॉयड दिज रिपोर्ट्स सो वी हैव कम अप विद दिस series so let's start our session before beginning those who haven't uh, subscribed to our channel do subscribe that and you can also press this bell icon for the latest updates you can also join our telegram channel so that you can get access to the free quizzes and you can also post your queries there right okay? so let's begin our session this is first such question let's read about it इट सेज वट कु द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन स्टेशन ठीक है तो ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन स्टेटस जो है स्टेशन uh, जो हैं वो बने हुए हैं इनके क्या फायदे हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं is, तो फर्स्ट वन इज इट वु इंक्रीज द एफिशंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ फैट टेस्टिंग इन मिल्क ठीक है तो एफिशियंसी बढ़ाएगा इन एक्यूरेसी बढ़ाएगा फैट टेस्टिंग की तो जब मिल्क प्रोक्योर किया जाता है उस टाइम पर फैट टेस्टिंग की जाती है ठीक है सो दिस इज राइट ऑटोमेशन होगा एफिशिएंसी बढ़ेगी एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी अगर मैनुअल देखें आप तो यू कैन ओनली डू थर्टी टू फोर्टी सैम्पल्स यू कैन ओनली चेक थर्टी टू फोर्टी सैम्पल्स पर यूनिट ऑफ टाइम मे बी पर आवर मान लीजिए बट विद दिस ऑटोमेटिक स्टेशन यू कैन ईजिली टेस्ट वन टू वन सैंपल्स इन एन आवर ठीक है तो आपकी एफिशियंसी इम्प्रूव हो रही है पर यूनिट अगर आप आउटपुट देखें तो इट्स इंक्रीजिंग राइट देन द एरेसी वुड ऑल्सो इनक्रीज ऑटोमेशन का काम ही यही होता है टू रिड्यूज ह्यूमन एरर ठीक है तो ह्यूमन एरर एक्यूरेसी वुड इम्प्रूव हेयर द सेकेंड स्टेटमेंट हेयर रिडक्शन इन द स्टाफ ऑफ द सोसाइटी और द कलेक्शन सेंटर एब्सोल्यूटली करेक्ट स्टाफ जो होगा वो रिड्यूज होगा ऑटोमेशन है तो मैनुअल लेबर की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी है ना तो इनपुट कॉस्ट भी आपकी जो है वो कम हो जाएगी तो दे वुड बी अर रिडक्शन इन द स्टाफ देन बिल्डिंग ट्रांसपेरेंट सिस्टम एंड देयर बाई इंक्रीजिंग दिल्लोरमेंट दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑटोमेटिक सिस्टम है तो ट्रांसपेरेंसी होगी जो मिडिल मैं वो इसमें चीट नहीं कर पाएंगे जो भी मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको सो दिस वी अटोमेटेड सिस्टम ट्रांसपेरेंट वन एंड ऑल्सो बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द मिल्क प्रोड्यूसर्स तो मिल्क प्रोक्योरमेंट जो होगा वो बढ़ेगा सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी all of the above so all these statements are correct let's read them okay. so automatic milk collection status is a specially uh, stations is a specially designed integrated unit okay. Ek integrated unit here that will consist of multiple small units and what would be those first one is Automatic milk weighing system. Take milk weighing system ooga. Milk testing unit ogi. There would be a computer to process all the data, and then there will be a printer to print the receipts and all for data processing and provide the output. What is the objective? Objective is to increase the efficiency and accuracy of fat, uh, fat testing and to test for other constituents of milk like SNF, water percentage, etc. So होता है आपका सॉलिड नॉन फैट ये वो फैट सॉलिड्स हैं जो फैट नहीं है यानी मिल्क में अगर आप फैट को हटा दें और वाटर uh, परसेंटेज को हटा दें सो द सॉलिड इज रिमेन इज ऑल्सो कैन ऑल्सो बी टेस्टेड थ्रू दिस स्टेशन इट विल ऑल्सो टेस्ट वाटर परसेंटेज इन द मिल्क दिस इज वन थिंग The another objective is to reduce the staff of the society and collection center through automation and economize the operation by avoiding manual registers the Kunkake automated system and the computer will process all the data so you need not to maintain these manual registers so it will economize the operation third is to gain the confidence of milk producers through transparent system and thereby increase the milk procurement so we have already discussed this point क्योंकि ट्रांसपेरेंट सिस्टम है मिडलमैन का रोल नहीं रहेगा तो जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा एंड दे विल टू सेल देन द वेस्टेज आल्सो गेट रिड्यूस्ड ठीक है तो ह्यूमन एरर नहीं है बीच में कुछ ह्यूमन uh, इंटरवेंशन uh, जो है वो मिनिमाइज होगा हियर दिस इज द सेकंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज डन बाई कम्बाइंड हार्वेस्टर कंबाइंड हार्वेस्टर एक मशीन है फार्म मेकेशन के लिए यूज कर रहे हैं कंबाइंड हार्वेस्टर और आपको बताना है कि कौन से ऑपरेशन है दट आर डन बाई दिस कंबाइंड हार्वेस्टर फर्स्ट वन इज रीपिंग द सेकेंड इज थ्रेशिंग एंड द थर्ड इज विनोइंग रीपिंग क्या होता है रीपिंग इज नथिंग बट दू जस्ट कट डाउन द क्रॉप्स एंड द्रेशिंग इज क्रॉप में से ग्रेन को अलग करते हैं ठीक है द सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम दी क्रॉप एंड एयर थ्रू दी ग्रेन इन यू पुषते एयर क्लीन करने के लिए बेसिकली शाफ को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द ग्रेन्सोइंगन सो द करेक्ट आंसर हेयर इज डी ऑल ऑफ दीज ऑपरेशन आर डन बाई कम हार्वेस्टर एंड इट्स नेम इज इट कंबाइन्स ऑल ऑपरेशन सिंगल मशीन right So, the correct answer here is D, that is all of the above. This is about combined harvester. Uh, a combined harvester is an essential equipment for the modern farm for effective harvesting of crops and grains. Yeah. So, coffee a labor intensive job to harvest the crop. is This is an equipment which is best suited for a modern farm the work of combine may be stated as follows these are the list of work that is done by this harvester first one is harvesting the cutting down of crops then this uh, feed this crop to the threshing unit the so threshing unit may feed karega wherein uh, the grain would be separated from the crop threshing the seed from the head and the fourth is separating the seed from the strong x line the seed would be separated and then the fifth is the winnowing that is the cleaning the seed from the shaft. सो ड्यू टू हाई कैपिटल कॉस्ट जरूरत क्यों है तो दीज कंबाइंड हार्वेस्टर जो है काफी कॉस्टली होते हैं इसीलिए मोस्ट ऑफ दीज आर ओन्ड बाई द प्राइवेट पार्टीज ठीक है वेर इन अगर इंडियन एग्रीकल्चर सनैरियो आप देख रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जनल इनफैक्ट मोर देन एटी परसेंट फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कंबाइन हार्वेस्टर्स को यूज करना अपने फार्म में राइट इसीलिए क्या हो रहा है इसीलिए मतलब जो मॉडर्न हैं है, है, वहां से ये मशीन्स को प्रोक्योर करके और बाकी जो स्टेट्स हैं जो इतने मैकेनाइज नहीं है वहाँ प्रोक्योर किया जाता है इन मशीन को एंड इट इज डन बाय Totally नहीं होता, खरीदा नहीं जाता बट दे आर नंबर ट्री एंड इज और आर करेक्ट अबाउट द फिश कोल्ड स्टोरेज ठीक है फिश कोल्ड स्टोरेज के बारे में आपको बताना है कि ये कौन से सही फर्स्ट इज फिश आर नॉर्मली स्टोर्ड एट माइनस एटीन टू ट्वेंटी तो इसके ऊपर पूरी स्टोरी है कि फिश नॉर्मली इसी टेम्परेचर में स्टोर क्यों नहीं कर क्यों करते हैं ठीक है अभी के लिए आ, दिस स्टेटमेंट इज इस राइट इसको हम डिस्कस करेंगे द सेकंड स्टेटमेंट से प्रोडक्शन कोल्ड स्टोर्स आर मच लार्जर देन द बल्क कोल्ड स्टोर्स ये गलत है नाम से ही समझ आ रहा होगा बल्क बल्क बड़े बड़े कोल्ड स्टोर है बल्क कोल्ड स्टोर है सो बल्क कोल्ड स्टोर आर इनफैक्ट लार्जर देन दी प्रोडक्शन कोल्ड स्टोर थर्ड स्टेटमेंट सीज कैपेसिटी ऑफ कोल्ड स्टोर नॉर्मली रेंजेस बिटवीन वन थाउजेंड मेट्रिक टन टू टेन थाउजेंड मेट्रिक टन दिस इज राइट ठीक है सो फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट है बी इज द करेक्ट ऑप्शन अभी हम फर्स्ट स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे ठीक है अब फिश जो आपके होती है उसमें देर अ लॉट ऑफ वाटर कंटेंट ठीक है तो फिश में बहुत सारा वाटर कंटेंट होता है और वो जो फ्रीज होना स्टार्ट होता है ठीक है माइनस टू डिग्री सेल्सियस स्टार्ट हो जाता है तो द फ्री वाटर इन फिश फ्रीजेज ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर दिंग एट माइनस टू डिग्री सेल्सियस एंड द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग फ्री वाटर डिक्रीजेस द टेम्परेचर रिचेज माइनस 40 डिग्री celsius तो जो फिश में वाटर कंटेंट होता है वो माइनस टू डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो जाता है फ्रीज होना और पूरा का पूरा फ्रीज होता है माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस पे ठीक है लेकिन माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस अचीव करना कमर्शियली वायेबल नहीं है ठीक है ये टेम्परेचर अचीव तो किया जा सकता है लेकिन कोल्ड स्टोर्स में माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो अचीव करना कमर्शियली वाइबल नहीं है तो कमर्शियल फ्रीजर्स आर केपेबल ऑफ स्टोरिंग फिश वेरी फ्यू कमर्शियल फ्रीजर जो हैं वो पॉसिबल कमर्शियली वाइबल नहीं है क्योंकि एनर्जी की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ठीक है तो आपका अब इनपुट कॉस्ट अगर ज्यादा जाएगी तो ये जो कोल्ड स्टोर वाले प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएंगे ठीक है तो नो वन वुड लव टू इन्वेस्ट इन दीज स्टोरेज फेसिलिटीजर्शलीबल नहीं है देर फॉर फिश आर नॉर्मली स्टोर एट दिस टेम्परेचर माइनस एटीन टू माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस और इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है दैट बेरीज फ्रॉम फ्यू वीक्स टू ऑलमोस्ट वन ईयर तो कुछ वीक से लेकर एक साल तक आप जो इन uh, फिश को स्टोर कर सकते हैं देन लेट्स टॉक अबाउट द द टाइप्स टाइप्स ऑफ ऑफ कोल्ड 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 सो आर टू वन इज प्रोडक्शन एंड द वन इज द बल्क कोल्ड स्टोर सो प्रोडक्शन कोल्ड स्टोर इज यूजली अ पार्ट ऑफ फिश प्रोसेसिंग प्लांट तो जहाँ जो फिश है उनको प्रोसेस किया जा रहा है कैंड फिशेज तो हैं उनको पैक किया जा रहा है प्रोसेस किया जा रहा है वहां पर नॉर्मली उसी यूनिट का पार्ट होता है प्रोडक्शन कोल्ड स्टोर दीज आर लोकेटेड एट समिटेंस फ्रॉम द एक्ल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड अमली मच लार्जर दैन द प्रोडक्शन स्टोर तो ये थोड़ी दूरी पर होते हैं प्रोसेसिंग यूनिट के आ, का पार्ट नहीं होते दे आर कंस्ट्रक्टेड एट समिटेंस सो नॉर्मली जो कंजस्टेड एरियाज होते हैं जहां लैंड कम होती है प्रोसेसिंग यूनिट के लिए वहां बल्क कोल्ड स्टोर बनाए जाते हैं थोड़े डिस्टेंस में ठीक है एंड दे आर यूजली क्वाइट लार्ज द कोल्ड स्टोर कैन बी ईदर सिंगल स्टोरी और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सिंगल स्टोरी भी हो सकते हैं मल्टी स्टोरी भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूज स्टॉक अबाउट द्वेश्चन एंड सेट इज वेपर बैरियर विद रिस्पेक्ट टू कोल्ड स्टोरेज

थर्ड स्टेटमेंट इज इट इज मेडअप ऑफ ब्रिक्स मोटा देखो ये तो वैसे रिडन स्टेटमेंट है तो कोल्ड स्टोर की जो वॉल्स है तो वेपर को उसका एक और बैरियर बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना सो द करेक्ट स्टेटमेंट हेयर इज वन इट्स अ प्लास्टिक और अ फॉल शीट दैट इज यूज फॉर डैम्प प्रूफिंग इसके बारे में डिटेल में पढ़ते सो वेपर बैरल्स आर द मटेरियल्स विच आर प्लेस्ड ऑन द हॉट साइड ऑफ द कोल्ड स्टोरेज टू प्रिवेंट मॉइस्चर माइग्रेशन एंड टू प्रोटेक्ट द इंसुलेशन फ्रॉम मॉइस्चर कंडेंसेशन। अब होता क्या है देखो ये कोल्ड स्टोर है कोई इनसाइड एयर होगी और ये आउटसाइड एयर होगी ठीक है अब आउटसाइड एयर में वॉटर वेपर होता है है ना आपको पता होगा एयर के अगर कॉम्पोनेट्स देखें तो उसमें कुछ गैसेज होंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर तो वाटर वेपर जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा यानी कि कंपोजिशन uh, में वाटर वेपर जितना ज्यादा होगा इट विल एग्जर्ट मोर प्रेशर है ना और आपको पता होगा एयर क्या होता है जो फ्लो होगी वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होगी है ना तो हाई से लो में जाएगी तो इस एयर की जो टेंडेंसी होती है आउटसाइड एयर की टेंडेंसी होती है जिसमें वाटर वेपर ज़्यादा होता है उसकी टेंडेंसी होती है इनसाइड मूव करने की जहाँ के जहाँ पे की वाटर वेपर कम है यानी कि यहाँ पे एयर का जो प्रेशर है वो कम है ठीक है सो इट विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया इनसाइड दी कोल्ड कोल्ड स्टोर ठीक है दिस इज वॉट इज रिटन हेयर दि इज अ टेंडेंसी फॉर मॉइस्चर इन द एम्बेंट एयर

कोल्ड स्टोर का काम क्या है फ्रीज करना इंसुलेट करना बाहर के टेम्परेचर से अंदर जो भी गुड्स हैं पेरिशेबल आइटम्स है उसको प्रोटेक्ट करना तो इट अफेक्ट दिस इंसुलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द कोल्ड स्टोर वॉल एंड इट ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल ऑफ द बिल्डिंग तो जो बिल्डिंग है उसकी दीवारों को वीक कर देती है एंड इंसुलेशन प्रॉपर्टीज को एडवर्सली अफेक्ट करती है ठीक है तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं एक वेपर बैरियर लगाते हैं एक वेपर बैरियर लगाया जाता है कोल्ड स्टोर के चारों तरफ And various types of vapor barriers, such as structural sheet of aluminium, thin aluminum foils, plastic film, hot melt type bitumen, these are different materials that could be used for a vapor barrier, and the special type of paints etc., are used to prevent moisture transfer through the insulating material. So this was all about vapor barriers. I hope uh, this is clear to you. This is the last question.

और लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं रूट स्टॉक रूट स्टॉक तो ये एक प्लांट वन होगा एंड दिस इज प्लांट टू ठीक है का क्या है स्टोन ग्राफ्टिंग के द्वारा प्रोपगेशन किया जाता है गुआवा में क्या है गुआवा इज प्रोपिगेटेड थ्रू लेयरिंग लेयरिंग में क्या होता है लेयरिंग में न्यू प्लांट और ट्री इज प्रोपगेटेड to the stem, which is still connected to its parent plant. Okay, so layering is also uh, guava is also propagated through layering. This is one is also correct. And then we have citrus through budding. Budding may other Budding be same uh, layering. Ke tere, plant bird is grafted into the stem of a uh, parent plant. Okay, so budding is uh, is also one another method of propagation. And citrus plants are. Uh, propagated through this budding propagation method so all of these are correct and the correct option here is d that is all of the above so this is it with today's session i hope you like it and we'll be done with the nabard project uh, reports and from the next session we'll be uh, start with the schemes and portals and different uh, current affairs of uh, the ard section right in case you have any queries, do post it down and you can also post your queries on our Telegram channel. Right? So, thank you so much and we'll see you in the next session.